संत राम उदासी लिखते ने कि बाप दे सिर दे करज ने पुत जमदे घेरे मगदा रही वे सूरजा कमियां दे वेड़े। पंजाब दे विच बड़े ऐसे कामे मजदूर किसान ने जो गरीब ने, बड़े ऐसे परिवार ने जिन्हां दे सिर ते करजा पीढ़ियां तो चलिया आ रहा है। एक पीढ़ी दे सिर ते करजा हुंदा है ते अगलियां पीढ़ियां भी उस नूं चुकाउंदे चुकाउंदे कह लो भी जिंदगी कढ जांदियां ने। प्रोग्राम असल तस्वीर दी ये तस्वीर भी एक ऐसे गरीब गुरसिख परिवार की है जो तंगियां त्रुटियां दे विच जिंदगी जिउ रहा है। आए दिन बैंक तो कोई ना कोई सम्मन इन्हां दे घर आउंदा है। की है इस परिवार की पूरी विथ्या, इस परिवार की इस तस्वीर दे विच विखाई दिंदे ये तीन मासूम बच्चियां दी जिंदगी ते उन्हां दा भविख धुंधला नज़र आ रहा है। इस धुंधलेपन दियां सारियां कन्नियां सारे पासे असीं तुहानूं विखावांगे अज दी इस असल तस्वीर दे विच। ते इस तस्वीर नूं सोहणा बनाउण लई कलगीधर ट्रस्ट बड़ू साहिब की उद्यम कर रहा है वह भी जाणांगे। आओ वेखदे हां अज दी ये असल तस्वीर। मैं अपने बच्चों किसी अकैडमी किसी संस्थान नाल जोड़ा भी कित पढ़ावा, पर मेरे को एडी पावर नहीं थी, एडी मेरे को योग्यता नहीं सी। बच्चे वेखते ने यह मैं बहुत बारी आख्या कहना रेडी आप गड्डी कदों लियावे, आप फलानी चीज़ कदों लियावे, आप चीज़ों फिर बच्चों एक है कहने भी लियावे बेटा लियावे एक लारा जहा ला दें पर लियावे कितों। जो बच्चे कोई चीज मांगते उदो दुख हों भी जे घर जायदाद वध हो थोड़िया लोड़ा पूरी कर दी, हम जायदाद ही घटा हम बच्चे लोड़ा कितों पूरी करिए। बस काल अकैडमी च ला के वधिया लग्या बच्चों, पंजे बाणियां सिख ले बच्चे तिन्ने वधिया वधिया पढ़दे ने उत्थे। मैनू कई बार कहना वा उरे आ ओए, तो मैं कहना भी तू मैं ओए ना कह कर, जब मैं खालसा कह कर जा मैं जथेदार कह कर। निके जनू सारा चौपी साहब का पाठ आता जी वेखो, पर अज साडे सिखी दे वाग नू माली चंगे नहीं मिले। कई बार कहना मैं खालसा बनूंगा जथेदार बनूंगा। मेरे घर घटो घट 20 बारी नोटिस आ चुके जी। मेरे पिता जी की जी लिमिट आ ना डैथ तो बाद करजा अज मेरे सिर ही खड़ा। आओ इस बच्चे लई डोनेट करिए या इस बच्चे नू अडॉप्ट करिए ताकि ये बच्चा गरीबी की दलदल तो बाहर निकल सके और अगे जाके अपनी लाइफ नॉर्मल बतीत कर सके, अपने सपने पूरे कर सके। प्रोग्राम असल तस्वीर की अगली तस्वीर विच बड़े ही छोटे छोटे प्यारे प्यारे मासूम बच्चे ने एक गुरसिख परिवार दे, वो बड़े ही नीडी ने, बड़ी ही जरूरत है। परिवार के हालात तुहानू नेड़ियों विखा दिने, उन्हां दे परिवार नाल गलबात करदे हां। पढ़ाई हर माँ बाप चाहुंदा कि उन्हां दे बच्चे वधिया पढ़न चंगे इंसान बनन, ते ये जिहड़ी पढ़ाई का अवसर हैगा वो अकाल अकैडमी ने सिरजिया होया दिता होया, पर होर केड़ी केड़ी लोड़ आ, किन्नी क जरूरत है इस परिवार नूं तुहाडे साथ दी, वो आपां नेड़ियों जाणदे आ।
मेरा नाम राजपिंदर सिंह है जी, पिंड भोपाल के रहने वाला मैं। तो मेरे तीन बच्चे ने जी, दो बेटियाँ एक बेटा, तो एक मेरी पत्नी है, तो एक परिवार में मेरी माँ रह रही है जी। तो पिता जी की कुछ समय पहला डैथ हो गई सी जी, उन्हों की बस जी थोड़ी जो ड्रिंक कर दे दी। तुझे गुरसिख परिवार कि पिता जी कि ड्रिंक करते? हाँ जी, बस उस कारण ही बस कुछ समा इलाज चलता रहा अस्पताल पिछों जी। तो फिर तुम्हें पता है जी, जन्ना परमात्मा ने किसी को स्वास्थ्य जीवन बख्शिया, क्योंकि पिता से फिर भी आप कोई सान के खिलाफ नहीं बोल सकते। फिर भी तुम पहला तो अमृत छकिया सी या कि परिवार कि जुड़िया? बस घर में माहौल ही इदा रहा, तुम्हें पता जी, जिवें महाराज ने बाणी में लिखा कि दुख दारू सुख रोग पिया, कि ता ही महाराज ने आख्या भी जो दुख आ दारू आ। घर में इदा माहौल होने के कारण बस मतलब कि वधिया नहीं, जिवें आप कह रहे तुसीं आप वेख ही रहे हो फिलहाल मौके के उत्ते। बस फिर असी गुरु की शरण में महाराज ने सानू फिर बेनती अरदास की भी महाराज साढ़े घर के भी हालात सुधरन। तो महाराज अगर बेनती की भी सच्चे पातशाह भी तुसीं भी साढ़े घर के सानू भी कुछ मत बख्शो, मत बख्शो। असी फिर अमृत छकिया जी, सानू 8-10 साल हो गए पिता की डैथ तो बाद ही अमृत छकिया जी। तो जो अमृत छकिया थी, पर मन में एक चाहन होंगी सी, एक सोच होंगी सी भी आकाश अपने बच्चे किसी सिख संस्था नाल जां सिखी स्कूल दे नाल जुड़ के, क्योंकि जो मन में हुंदा सी ख्याल। पर इस बाद जी 1-2 साल तो साढ़े बच्चे इतने पढ़े, साढ़े लागे स्कूल आ सरकारी स्कूल। हाँ जी, स्कूल के पढ़े, पर इदा ही बस हालात बनते रहे। एक मेरा मित्र है पिंड जी, उन्हें मैंने कहा कहना यार खालसा आ भी आप जो बच्चे भाई दे सी अकैडमी के ला रही है, माह साढ़े को एड्डी कोई पावर ही नहीं, आप इनकम ही नहीं है। आप तीन बच्चों का एड्डा व्डा खर्चा, घट्टो घट तीन बच्चों का 1.5 लाख रुपया खर्चा जी, घट्टो घट जी, वो तो वध रहा। पर मैं कहना भी कोई गल नहीं, खालसा जी आप चलते हैं। थोड़ी मैं पूछना चाहना थोड़ी आपकी मतलब इनकम कि? इनकम थोड़ी मोटी है जी, हूँ खेतीबाड़ी जट्टा इन कि इनकम जमीन कि? थोड़ी मोटी जमीन है जी। तो गुजारा फिर यार बस बंदा की कर सकता है, यह जे हालात बने पेने। अज के समय में बच्चों नूं पढ़ाउणा तां जी सब तो वड्डी अज समस्या। पर मैं धन्नवाद जिहड़े कहणा जिवें इह संस्था अपनी जिवें बड़ू साहिब वाली संत अतर सिंह, संत तेजा सिंह, संत भाई इकबाल सिंह, जिन्हां ने यह उपराला करके कि लोड़बंद लोगों नूं, लोड़बंद बच्चों, लोड़बंद परिवारों नूं, जिन्हां दे विच कोई सहारा ते कोई आसरा नहीं, तो उन्हां नूं इक सहारे इक आसरे की तरह बच्चों नूं एक मुफ्त विद्या एक पढ़ाई दे के अपने कहने का मतलब भलाई का काम कर रहे हैं। लोड़ा तो बहुत होंदिया ने, पूरिया नहीं होंदिया, नहीं होंगे कदे कोई जवाक कई बार कुछ मांगते हो थोड़े ना पूरा कर सकते हो, तो किदा की फील होंगे तुम? तो फील तो होंगे जी, हम तुम अजक समा यह थोड़ा पता ही 21वीं सदी का युग अजक हम बच्चे वेखते हैं। ये मैं बहुत बारी आख्या कहना रेडी आप गड्डी कदों लियावे, आप फलानी चीज़ कदों लियावे, आप रोज़ बच्चे के सवाल होंगे नहीं जो स्कूलों में जाते तो आप विचरते हैं परिवारों में, फिर वो चीज़ा फिर बच्चों एक है कहने भी लियावे बेटा लियावे, एक लारा जहा ला दें, पर लियावे कितों? साढ़े कोई यह आमदन का साधन नहीं कि बच्चों के शौक सू पढ़ाने औखे, बच्चे पालने औखे ने जी, शौक तो बड़ी दूर दल्ला ने जी, अभी लग्जरी जिंदगी जीनियाँ वो तो बड़ी दूर दल्ला ने। अज बच्चे पढ़ाने, अज बच्चों का पालन पोषण करना, मेरी सिंगनी वेखो जी ये दवाई चलती है महाराज, पहला DM उतों चलती रही है, MHDO बच्चों हूँ भी खाँदी रही है, पर रोज़ जो हूँ जी हफ्ते बाद जाना भी 2,000-2,500 रुपये 3,000 रुपये लग जाना। मंगदिया ने कदे कुछ मंगदिया ने, मम्मा फलाने दे ओवा फलाने दे ओवा, फिर बस बेचारियों चुप कर जानी है भी पुत कोई ना आप भी लियावे। पढ़ाना तो बहुत औखा ही, बस ट्यूशन वाला भी नहीं कोई मिलता है, ना ही इन्ना है भी ट्यूशन वास्ते कोई फीस दे सकते नहीं, आ जाते जो बस टेंशन हो जाती बच्चों की भी हूँ की करिए। मैं तो यही कहना चाहूँगी भी जे अपने कोई जमीन जायदाद होंगी तो आप ज़्यादा पढ़ा लेंदे बच्चों, तो हूँ बस काल अकैडमी चला के वधिया लग्या बच्चों, पंजे बाणियां सिख ले बच्चे तिने वधिया वधिया पढ़ते ने उत्थे,
नवदीप कौर बच्ची एक गुरसिख परिवार नाल संबंधित है, जो कि परिवार बहुत ही गरीब अते पिछड़े होया है। पर मैं वह बच्ची नू एक डिविनिटी का विषय पढ़ा रहा हाँ। डिविनिटी के विषय तो बिना भी वह बच्ची होर सब्जेक्टा दे विच भी अव्वल रहिंदी है। तो जे गल करिए डिविनिटी विषय की, तो डिविनिटी विषय के अकॉर्डिंग मैं तुहानू दस रहा हाँ कि वह बच्ची बाणी दे नाल जुड़ी हुई है, नितनेम दे विच परपक है, पूरा परिवार उन्हां दा गुरसिख है। नितनेम तो बिना उसनू गुर इतिहास की बहुत सोझी है। अक्सर ही जदों बच्ची ने मिलना तो हमेशा गुरमत विचारां दी ते फतेह दी बहुत ही गज वज के सांझ पाउणी हुंदी है। सो अकाल अकैडमी दे विच इदां दे होर भी बहुत कई गरीब बच्चे पढ़ रहे ने, सो जिन्हां नू के सहायता दी लोड़ रहिंदी है। सो ये बच्ची भी नवदीप कौर फंड दे विच कह लो कि पढ़ रही है। सो आप जी जो भी देशों विदेशों दे विच बैठे हो, सो साडा भी एक जिहड़ा फर्ज बनता है कि इदां दे बच्चों नू असी अडोप्ट करिए, ता कि इदां दे बच्चे जो गरीब परिवारों दे विच ने गुरसिख ने, सब तो वड्डी गल है देखो गरीब परिवार है तो फिर भी देखो गुरसिखी नू कमा रहा है। सो इदां दे बच्चों नू असी अडोप्ट करिए ता कि अगे जाके जिथे इन्होंने उच्चे मुकाम ते पहुँचना है उत्थे ये गुरसिखी नू भी बरकरार रखण, क्योंकि अकैडमियां दा जिहड़ा मेन उद्देश है जिथे दुनियावी संसारी पढ़ाई पढ़ाई जाती है उत्थे बच्चे कह लो भी कि नितनेम नाल गुरबाणी नाल अते गुर इतिहास नाल जुड़े रहिंदे ने। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस एन इंटरेस्टिंग टॉपिक। सो अर्थ इज़ द ओनली प्लैनेट वेयर लाइफ इज़ पॉसिबल। Can anybody tell why life is possible only on Earth? Yes, please. The Earth is a unique planet because there is life, the presence of water, oxygen, shelter, etc. ये बच्चा बहुत ही होनहार बच्चा है, पढ़ाई दे विच बहुत वधिया कर रहा है। पिछले साल इस बच्चे की अकादमिक कारगुजारी बहुत वधिया रही है और पढ़ाई दे नाल नाल ये बच्चा होर गतिविधियां दे विच भी बहुत अच्छा है, जिवें कला दे विच, संगीत दे विच, खेड़ा दे विच भी बच्चा भाग लैंदा। मैम दिस इज बेस, मैम दिस इज एसिड, इट टर्न्स ब्लू इन कलर, बेस टर्न्स ब्लू इन कलर, एसिड टर्न रेड इन कलर। यस, वेरी गुड। जो भी मैं इन्होंने बच्चों स्पोर्ट्स के कोई भी ईवेंट के पार्टीसपेट करने की गल करदा तो सब तो पहला एक नवदीप कौर एक अजिही विद्यार्थन है सैवंथ क्लास के जो कि सब तो पहला हैंड रेज करते कि सर मैं इस गेम के पार्टीसपेट करना। वो हर एक गेम के अपना बेस्ट देने की कोशिश करती है, अपना बेस्ट दिंदी भी है। मैं जो भी इन्हों ग्राउंड लैके आना तो जो भी इन्हों ईवेंट करवाया जाता तो हर एक ईवेंट के मेरे लिए नवदीप कौर सब तो बेस्ट अपना दिंदी आ। तीन बच्चे ने छोटे छोटे, हर एक माँ बाप की ख्वाहिश होंदी है भी असी चंगे स्कूल च पढ़ाईए तो इन्हां नूं चंगी सिक्ख्या दे सकीए, ते तां करके जी भी इस बच्चां दा इन्हां दी पढ़ाई दा खर्चा बहुत औखा इन्हां नूं चक्कणा, ते इन्हां दी मदद कीती जावे जी। ते जमीन बहुत घट है जी इन्हां कोल, ते घर दे हालात तुसीं देख ही रहे हो जी, ते इस करके हथ बन के बेनती है जी भी जिन्निया भी संस्थावां बनदियां उन्हां नूं भी चाहिदा हैगा कि गरीब बच्चों की मदद की जाए जी, तां कि वह भी चंगी सिक्ख्या लै सकन। इन्हां दी सहायता की जाए बहुत जरूरत है जी, इन्हां नूं परिवार का पालन पोषण तां कि चंगी तरह हो सके, ते अकैडमी वल्लों कोई सहायता मिल सके ते सिक्खी प्रफुल्लित हो सके ते होरां नूं भी प्रेरणा मिल सके। बच्चों में बड़ी लियाकत आई है जी, बड़ी खुशी मिलती है। मैं धन दिलो मैं हर वक्त धनबाद करता रहना संत अत्र सिंह जी का, मन में बड़ा चाह हों भी वाह सचे पातशाह बड़ी कृपा की बच्चा, क्योंकि अज वेखो जी बच्चे ये साहबदीप सिंह इन चौंपी साहब का सारा पाठ आता जी, सारा पाठ वेखो इनू निके निके जी निके जी सारा चौंपी साहब का पाठ आता जी, वेखो इस बच्चे। अच्छा जी, हाँ फिर तू वेखो जी उत्थे जाने किन्ने बच्चों के किन्नी लियाकत, कहने का मतलब साढ़े एक जीवन ज्यौन की ना जिन्होंने कहने अज के मनुख को सब तो बड़ी समस्या जी जीवन ज्यौन की आ।
ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਹਾਂਜੀ ਤੂੰ ਵੇਖੋ ਜੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇ ਮੰਦਰ ਉਹ ਇੱਕ ਕੁਆਲਿਟੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੇ ਲੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਉਰੇ ਆਓਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਓਏ ਨਾ ਕਿਹਾ ਕਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਕਿਹਾ ਕਰ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਕਿਹਾ ਕਰ ਫਿਰ ਵੇਖੋ ਜੀ ਕਿੱਡੀ ਮਨ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਵੇਖੋ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਕੁਛ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਵੇਖੋ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਤਾਂ ਐਡਾ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਬਾਗ ਵੇਖੋ ਲਾਇਆ ਸੀ ਐਡਾ ਬਾਗ ਉਹ ਅਰਬ ਕੰਟਰੀਆਂ ਤੱਕ ਲਾਇਆ ਕਰਜ਼ਾ ਤਾਂ ਜੀ 10-11 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਆ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨੋਟਸ ਸਾਡੇ ਘਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 8-10 ਵਾਰੀ ਆ ਗਏ ਜੀ ਤੋ 8-10 ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਨੋਟਸ ਆ ਗਏ ਨਾ ਬੈਂਕ ਦੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਅਤੇ ਸਿੰਘਣੀ ਮੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ 10-15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨੋਟਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਰਜ਼ਾ ਭਰਾਂਗੇ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਆਪਣੀ ਜਦੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਸਿੰਘਣੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਘਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਖੇਤ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਿੰਘਣੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੋੜ ਦੇ ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਫੜੋਗੇ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੱਥ ਵਿੱਚ ਲਾ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਊਂਗਾ ਦਰ ਵੱਟ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕੱਟ ਇੱਕ ਆਸ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਅੱਜ ਇਹ ਪੜ੍ਹਨਗੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਕੋਈ ਕੁੱਲ ਸੁਧਰੂ ਕੋਈ ਨਸਲ ਸੁਧਰੂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੀਤੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਸੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਸ ਡੁੱਬਦੇ ਨੂੰ ਤਿਣਕੇ ਵਾਲੇ ਸਹਾਰੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ ਜੀ ਜੋ ਇਹ ਬੱਚੀ ਵੀ ਹੈ ਇਹ ਆਰਟ ਐਂਡ ਕ੍ਰਾਫਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ ਇਹਦਾ ਇਹਦਾ ਜੋ ਫੇਵਰੇਟ ਸਪੋਰਟਸ ਹੈ ਉਹ ਖੋ ਖੋ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਕੈਡਮਿਕ ਵੀ ਇਹ ਬੱਚੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿੰਸੀਅਰ ਹੈ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਇਹਨੇ ਫਸਟ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੋ ਇਹ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਆਰਥਿਕ ਹੋਰ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸੋ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਸ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪ ਸਭ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲੋੜ ਹੈ ਆਪ ਸਭ ਦੇ ਸਪੋਰਟ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲੋੜ ਹੈ ਆਓ ਇਸ ਬੱਚੇ ਲਈ ਡੋਨੇਟ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਡੋਪਟ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚਾ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਦਲਦਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਸਕੇ ਔਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੋਰਮਲ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕੇ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਸਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਦੈਂਤ ਨੇ ਬੜੇ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਚਿਰਾਗ ਬੁਝਾ ਦਿੱਤੇ ਬੜੀਆਂ ਹੀ ਜਾਨਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਾਰ ਕਰਕੇ ਪਛੜੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲਣਾ ਔਖਾ ਹੈ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਨਾਲ ਰਲਣਾ ਔਖਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਪਛੜ ਗਿਆਂ ਦੀ ਸਾਰ ਲੈਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਰੱਥਾ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਸਹੀ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਐਸੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜੀਏ ਐਸੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀਏ ਕਲਗੀਧਰ ਟਰੱਸਟ ਬੜੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਬਣਾਈਏ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸੋਹਣਾ ਬਣ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਗਲਾ ਭਵਿੱਖ ਨੇ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨਾ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂਆਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖ ਬਣਾਇਆ ਸਿੱਖਦੇ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਵਡਿਆਇਆ ਆਓ ਸਿੱਖੀ ਕਮਾਈਏ ਦਸਾਂ ਨੌਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਸਿੱਖਿਆ ਉੱਤੇ ਲਾਈਏ ਦਸਾਂ ਨੌਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਸਿੱਖਿਆ ਉੱਤੇ ਲਾਈਏ